आप लोगों को हेलोजिनेशन, फिनॉल में सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई थी। अब इसमें कुछ लास्ट पार्ट बचा हुआ है फिनॉल का, कुछ नेमिंग रिएक्शंस है, जिसमें पहली रिएक्शंस है रीमर टीमन रिएक्शन। तो अगर हम रीमर टीमन रिएक्शन एक जनरल इक्वेशन लिखें पहले कि इक्वेशन होती क्या है, फिनॉल की पहले रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये जनरल एनसीईआरटी की रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। पहले एनसीईआरटी की रिएक्शन बता रहे, फिर इसकी मैकेनिज्म बताएंगे कि रिएक्शन हो कैसे रही है। NaOH एक्वस मीडियम में, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने इंटरमीडिएट बनाया है वो इंटरमीडिएट ये बना है NaCH2Cl2। इंटरमीडिएट, देन उसके बाद जब अगेन NaOH से रिएक्शन कराएंगे तब कंपाउंड बनेगा ONa, यहाँ CHO डाइल्यूट HCl, NaCl बाहर आ जाएगा, कंपाउंड यहां बचेगा OHCHO। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे सैलिसिलडिहाइड कहा जाएगा। सैलिसिलडिहाइड अगर नॉर्मल इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये मेन ग्रुप हो जाएगा, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक। अगर इसकी मैकेनिज्म देखें कि मैकेनिज्म हो कैसे रही है, एनसीईआरटी में तो रिएक्शन इसी तरह लिखी हुई है, लेकिन अगर इसकी मैकेनिज्म देखी जाए तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ है इसमें, जो फिनॉल है OH, इसके पास आएगा NaOH। NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस, ये OH माइनस H को अट्रैक्ट करेगा, पीछे मैकेनिज्म हो चुकी है, H2O निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉक्साइड O माइनस, फिनॉक्साइड आयन। इसी तरह जो क्लोरोफॉर्म है ClClClH, इसी तरह NaOH इसके पास भी आएगा, OH माइनस देगा, इसके H को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हमारा क्या रिप्लेस हो जाएगा, H2O, और यहाँ हमारा बन क्या जाएगा, Cl और C के ऊपर माइनस, ठीक। अब ये बैलेंस के लिए क्या करेगा अपना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, Cl माइनस बाहर निकल गया, तो देखो यहाँ पे बचा क्या, Cl दो इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, इसे कहते हैं कार्बिन्स, कहते हैं कार्बिन्स। देखो इसको खुद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन ये यहाँ पर लोन पेयर टाइप ये शो कर रहा है कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जबकि इसको खुद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे कहते हैं कार्बिन्स। इसका नाम अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो कार्बिन, ठीक है। अब यही जाएगा इस पर अटैक करने के लिए, तो ज़रा समझना है, यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन है। अब जब कार्बिन इस पर आएगा अटैक करने के लिए आएगा, तो देखो अटैकिंग यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अटैकिंग ना होकर के अटैकिंग यहाँ पर होगी, तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये जो है ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट शो करने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, ये यहाँ ये बॉन्ड यहाँ निगेटिव। अब ज़रा समझो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए,
जब इसके पास वैलेंसी ज़्यादा, देखो एक दो तीन चार वैलेंसी कंप्लीट है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए, जब इसकी वैलेंसी एक्स्ट्रा बढ़ने लगी तो अपने इलेक्ट्रॉन इसने आगे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये कार्बिन इस पर अटैक करेगा। देखो यहाँ पर कंपाउंड कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ क्या लग गया सी Cl2। फिर से समझो ये कार्बिन्स, अब यहाँ पर देखो इस O के ऊपर निगेटिव साइन है, ये यहाँ पे प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस M इफेक्ट शो करने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ढकेलेगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ढकेलेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, पाँच हो जाएगी, एक दो तीन चार वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी होगी पाँच, तो इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देगा। तो देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपने को बैलेंस करने के लिए, इसने से इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा तो प्लस माइनस मिल करके क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, चाहे ऐसे समझ लो चाहे इस तरह समझो, इसने इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पर इस सी के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, निगेटिव, यहाँ पर अभी एक एच होगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या होगा, अब ज़रा देखो जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, अगर ये वैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले ले तो ये निगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, यहाँ इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए H को निकलना पड़ेगा, H प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, ये फिनॉक्साइड एंड पहले जैसा बन जाएगा, और ये H कहीं बाहर ना जा करके ये माइनस देख रहा है, इसी माइनस पर ये H अटैक कर देगा। तो यहाँ पर कंपाउंड कैसा बन करके आएगा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये फिनॉक्साइड आयन वैसे बन के जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे वैसे वापस ले लिया, यहाँ पर आया प्लस, इस प्लस को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H प्लस बाहर निकला, ये प्लस माइनस मिल करके ये बॉन्ड बना रहे हैं, और ये H बाहर ना जा करके इसी C के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बन जाएगा, सी एच सी एल सी एल। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, NaOH आएंगे, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल गया, दोनों OH इस इन क्लोरीन का प्लेस ले लेंगे। O माइनस सी एच ओ एच ओ एच, किसी भी कार्बन पर एक से ज़्यादा OH होते हैं तो हीट करते हैं, हीट करने पर क्या रिप्लेस कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल से निकाल देगा अपना, तो हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, इसने अपना ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल दिया, हमारे पास कंपाउंड क्या बच गया, CHO यही बचा, O माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में एसिड के थ्रू H प्लस आ रहा था, जो जाकर के इस O से मिल जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक स्टेबल कंपाउंड क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड। ये इसकी मैकेनिज्म है, फिर से देख लो। सबसे पहले फिनॉल के पास कौन आया है, NaOH, NaOH ने OH प्रोड्यूस किया, इसने इसके H को अट्रैक कर लिया, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, फिनॉक्साइड आयन बनाया, एज एसिडिक नेचर शो करता है, पीछे इसकी मैकेनिज्म पूरी बताई गई है। अब इसी तरह NaOH ने क्लोरोफॉर्म पर अटैक किया, इसने भी अपना H रिप्लेस कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ पे ये बनाया इसने कार्बिन, अब यही कार्बिन जा रहा है फिनॉक्साइड पर अटैक करने के लिए, तो होगा क्या, यहाँ पे ये प्लस M इफेक्ट शो करने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ढकेलेगा, जब कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आया, इस माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देखो बॉन्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए इसके, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, माइनस साइन आ गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके कारण बीच में क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड आ गया। अब जैसे इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए थे वैसे अगर इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, निगेटिव पॉजिटिव, इस प्लस को बैलेंस करने के लिए यहाँ से एच प्लस निकला, प्लस माइनस बैलेंस करके यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर के यहाँ पे क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये एच प्लस कहाँ चला जाएगा, इसी कार्बन पर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दो क्लोरीन है, दो NaOH आ गया, दो क्लोरीन थे, दो NaOH आ गया, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, NaCl निकल गया। देखो यही कंपाउंड हमारा यहाँ पे बना हुआ है एज अ इंटरमीडिएट। ठीक है, एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हिट करने में बाहर निकल जाता है,
क्या बच गया, सी एच ओ बच गया। आखिरी में एसिड से एच प्लस मिला जिसने इसके ओ को कवर कर लिया, क्या बना है, इसे हम कहेंगे सैलिसल्डिहाइड, या इसी को हम कहते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसी में क्वेश्चन निकल करके ये आता है कि देखो जो यहाँ पे जो एल्डिहाइड जुड़ रहा है इसमें, वो इसके ऑर्थो पोजिशन पर ही जुड़ रहा है, इसके पैरा पोजिशन पर क्यों नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमने बनाया है, तो यहाँ पर ये देखो इसके ऑर्थो पोजिशन पर ही तो जुड़ा हुआ है, इसके पैरा पोजिशन पर क्यों नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला रीज़न तो ये है, ऑर्थो बनेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ज़रा देखो, ये है ओ एच सी एच ओ, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण ये कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, दूसरा रीज़न ये हो गया कि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना था, फिनॉक्साइड आयन बना था, ये शो करता है प्लस एम इफेक्ट और साथ ही साथ प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर देता है। प्लस एम क्या करता है, जो ऑर्थो और पैरा इन दोनों पर क्या करता है, समान तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन जो आई, जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस के कारण, यहाँ पे देखो डिस्टेंस के कारण जो ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू पैरा पोजीशन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। देखो इसके यही दो रीज़न है कि हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो हमारा ऑर्थो वाला ही कंपाउंड क्यों बन रहा है। पहला पॉइंट कि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है जिसके कारण ये कंपाउंड स्टेबल हो गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम क्या करता है, ऑर्थो पैरा दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, समान तरह से बढ़ाता है। लेकिन ये प्लस आई भी शो करता है, प्लस आई शो करने, प्लस आई जो होते हैं वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पैरा की डिस्टेंस क्या हो गई, दूर हो गई, तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन ये ऑर्थो पर हमारी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा देगा। ऑर्थो पोजिशन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ा देगा कंपेयर टू पैरा पर, पैरा के कंपैरिजन में, क्योंकि पैरा लॉन्ग डिस्टेंस पर है, इस कारण इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ज़्यादा बनता है। ठीक, क्लियर है। अब अगर जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड दिया है, जैसे ये, अब यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पहले से ही घेरी हुई है, तब इसमें हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे पहले से ही हमारा प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पे हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा। मान लो एक कंपाउंड ऑप्शन में दिया है, ये दिया है ए, एक कंपाउंड ऑप्शन में दे दिया गया है सी एच ओ बी कंपाउंड, और मान लो कि एक कंपाउंड ऑप्शन में ओ एच सी ओ सी एच थ्री सी एच ओ सी, ये तीन कंपाउंड है। तो कहा जाए कि अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ही अकुपाई है, घिरी हुई है, कवर है, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। तो होता ये है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ही इसमें घिरी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पर ये ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई कंपाउंड या कोई ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अटैकिंग होगी वो ऑर्थो पोजीशन पर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस कारण इसमें जो अटैकिंग होगी वो हमारी अटैकिंग कहाँ होगी, पैरा पोजीशन पर होगी। ठीक है,
अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ही कवर है तो अटैकिंग फिर से ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होगी, ठीक है। कहाँ होगी? पैरा पोजीशन पर होगी। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्थो के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के कारण यहाँ पे हमारी जो अटैकिंग होगी वो कहाँ होगी? पैरा पे। तो हमारा कौन सा कंपाउंड सही होगा? ये कंपाउंड सही होगा, ठीक है। और इसका एक और रीज़न हो जाएगा, जैसे मान लो कि इसका तो यही रीज़न रहेगा, जैसे मान लो कि एक कंपाउंड ये दिया होता, OCH3 CHCl3 NaOH एक्वस। अब कहा जाए यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो इस बार जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा ऑर्थो ना बन करके पैरा कंपाउंड बनेगा। अब कहा जाए ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों को प्लस एम माइनस एम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पता होना चाहिए। ये सब जीओसी में पीछे बताया गया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो ओ सी एस थ्री है ये शो कर रहा है प्लस एम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। प्लस एम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई के कारण क्या होगा, ये जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लेकिन प्लस एम के कारण, प्लस एम के कारण क्योंकि ये पास पड़ रहा है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये हमारा माइनस आई के कारण ये ऑर्थो से तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन याद करो मेटा, ये जो प्लस एम इफेक्ट होता था ये क्या करता था, ऑर्थो और पैरा दोनों पर, ऑर्थो और पैरा दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था, और जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये पास होने के कारण ये क्या करेगा, ऑर्थो से तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन मेटा के कारण, मेटा के कारण जो पैरा पोजिशन है, जो पैरा पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो बनी रहेगी। बात फिर से समझो, ये OCS3 जो है वो प्लस एम माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये ऑर्थो से तो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। देखो जो प्लस एम है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, और माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जो पास होगा उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन ये दूर रह जाए, दूर हो जाएगा, दूर होने के कारण और मेटा पोजीशन, मेटा प्लस एम इफेक्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रह जाएंगे, ठीक, क्योंकि माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है लेकिन डिस्टेंस के कारण ये डिस्टर्ब कर रहा था, यहाँ पर भी तो यही पॉइंट बताया था, इसी कारण तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्थो वाला कंपाउंड बना रहा था, लेकिन ये प्लस आई था, यहाँ पे कौन सा शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, माइनस आई के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन जो पास होगा उसके इलेक्ट्रॉन ये सारे खींच लेगा, जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये नहीं खींच पाएगा, खींचेगा भी तो कुछ कम ही खींचेगा, ठीक है। और प्लस एम के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ ही रही है, तो अटैकिंग यहाँ पे कहाँ होगी, पैरा पोजीशन पर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इन सब कंपाउंड बनाने में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक, ये सब चीज़ें आप लोगों को जीओसी में मिलेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें कोलबेस रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या है, फिनॉल की पहली रिएक्शन NaOH से ये हमारा बनाएगा यहाँ पर ONa, सोडियम फिनॉक्साइड, फर्स्ट CO2, सेकंड H+, कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, COOH, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन हुई कोलबे रिएक्शन जो NCERT में लिखी हुई है। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी,
देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या है, फिनॉल, पीछे की तरह इसके पास कौन आया, NaOH, इसने क्या दिया, OH-, OH- क्या करेगा, इसका H खींच लेगा, क्या छोड़ देगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कौन आएगा, CO2। ठीक है, ये CO2 अटैक करने के लिए आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, इस पीछे की तरह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे की ओर शिफ्ट कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड बना लेगा, इसी के ऊपर पॉजिटिव है तो ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, सब पीछे की तरह हो रहा है जैसे पीछे मैकेनिज्म बताई गई थी, ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये हो गया सी ओ, ये माइनस होगा, ये बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पर, तो बॉन्ड ब्रेक किया है ना, ओ क्लियर है ना, फिर से बनाते हैं, ये देखो कंपाउंड यहाँ पर ये बन रहा था, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी माइनस डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ब्रेक किया था, ये प्लस माइनस बॉन्ड जोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, बॉन्ड आ गया है। ठीक, अब पीछे की तरह फिर से इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो एच था वो एच निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो ज़रा देखो ये जो बॉन्ड टूटा था ये बॉन्ड फिर से वापस आ जाएगा, इसका इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और ये एच कहीं ना जा करके कहाँ, इस ओ के साथ मिल जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, ये बॉन्ड देखो ये प्लस ये माइनस मिल करके ये बॉन्ड वापस आ गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ओ ने वापस ले लिए हैं, यहाँ से जो एच निकला है ये इस ओ के साथ चला गया, ओ एच। ठीक है, लास्ट में H प्लस, देखो लास्ट में क्या था, H प्लस था, H प्लस यहाँ चला जाएगा इस O पर, कंपाउंड क्या बन गया, COOH, सैलिसिलिक एसिड। फिर से चेक करो, NaOH ने OH दिया, H इसने खींच लिया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिए, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये कार्बन इस ये प्लस आया, ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, कुछ भी कह दो। ठीक है, ये कंपाउंड बना, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए, यहाँ आया प्लस, यहाँ से एच प्लस निकला, तो यहाँ आया माइनस, ये प्लस माइनस मिल करके क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, इस ओ के पास इसके इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, ये एच जो निकला है कहीं बाहर ना जा करके इसी ओ के साथ जुड़ गया, एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में S प्लस इस O को कवर कर लेगा, क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड, ये इसी को हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्थो पे ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर फिनॉल पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो लास्ट ये रिएक्शन बताई गई हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT में ये आपको रिएक्शन इसी तरह लिखी हुई मिलेंगी। अब इसका लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, ईथर। ठीक, ROR या ROR- नॉमेनक्लेचर इसका पीछे भी बताया गया है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल, इसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ, जब ये इसमें दोनों तरफ चेन हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। चेन डिफरेंट, कार्बन नंबर डिफरेंट हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। तो दो चेन है जिसमें कार्बन के नंबर कम होंगे वो नाम पहले, जिसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होंगे वो नाम बाद में। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर तो हम आप लोगों को पीछे भी बता चुके हैं, आज इसका हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, कैसे कैसे हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक कॉमन मेथड है, वही इसका लैब मेथड भी बन जाता है। ठीक है, एल्कोहल से,
अल्कोहल से ईथर कैसे बनाएंगे। जैसे अब अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए जो भी कंपाउंड हम यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट में जो भी टर्म यूज़ करते हैं, वो कई तरह की रिएक्शंस देता है। वो सारी रिएक्शंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसमें से जो दो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। जैसे पहला मेथड CH3CH2OH, ये सारी जो रिएक्शंस आएंगी ये हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जाएंगी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल H2SO4 के साथ अगर हम इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर गर्म करते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो होता क्या है, अल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स वाटर बाहर निकालेंगे, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3CH2O C2H5 लिखो चाहे CH3CH2 लिखो। ये हमारा प्रिपरेशन मेथड है अल्कोहल से ईथर का। यही लैब मेथड भी हो जाता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लो इसी अल्कोहल के साथ H2SO4 ले रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर ले लिया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो वाटर तो निकलेगा बट ये चेंज हो जाएगा एल्कीन में। किसमें चेंज होगा, एल्कीन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को पीछे बताई भी गई थी। नेक्स्ट CH3CH2OH, फिर से एथाइल अल्कोहल H2SO4, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड बनेगा CH3CH2SO3H, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एथाइल सल्फोनिक एसिड। इसी तरह CH3CH2OH, H2SO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो एथाइल अल्कोहल है वो H2SO4 में सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH पॉजिटिव और इस तरह से HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये चार रिएक्शनें हैं जो एथाइल अल्कोहल H2SO4 के साथ देता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। इसमें एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनकी मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी तो मैकेनिज्म आप लोगों को बता चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको डाइथिल ईथर कैसे बनेगा इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। तो पहले रिएक्शन लिख लें, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2OH H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड CH3CH2O CH2CH3 + H2, डाइएथाइल ईथर या एथॉक्सी एथेन। यही लैब मेथड भी है डाइएथिल ईथर का, यही लैब मेथड भी है। तो ये बनता कैसे है, बाय मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले दो एथाइल अल्कोहल यूज़ हो रहे हैं, एक एथाइल अल्कोहल लिया हमने CH3CH2OH, H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा, ठीक है। H प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3CH2OH ओ के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ओ ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इसके और हाइड्रोजन के बीच क्या आ गया, बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, एक अल्कोहल हमारा पूरा यूज हो गया, अब इसके बाद इसी कंपाउंड पर दूसरा अल्कोहल जो बचा है वो अटैक करने के लिए आएगा। जरा देखो CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH पॉजिटिव, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर जो दूसरा अल्कोहल है ये इसके रेयर साइड से अटैक करने जा रहा है, ठीक है, आगे से नहीं अटैक कर सकता। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रेयर साइड से ये अटैक कर रहा है। जब ये रेयर साइड से इस पर अटैक करेगा, रेयर साइड से जब ये अटैक करेगा, तब यहाँ से हमारा क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, माइनस H2O बाहर निकला, ये माइनस, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH3 CH2 OH CH2 CH3 पॉजिटिव। फिर से देखो, पहले H2O4 ने अपना H प्लस दिया, इस H प्लस को बैलेंस करने के लिए अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल ने अपने बैलेंस सेल के H को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको इसलिए बॉन्डिंग। अब जो दूसरा अल्कोहल बचा था वो आएगा इस पर अटैक करने के लिए। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, जब ये इस पर अटैक करने के लिए आएगा, अब आगे से तो अटैक कर नहीं सकता, पीछे से रेयर, क्योंकि आगे ये पूरा ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, अब ये क्या करेगा, इसके रेयर साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तब यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये नेगेटिव प्लस माइनस बैलेंस होकर के वाटर मॉलिक्यूल तो हमारा यहाँ से बाहर निकल गया, पॉजिटिव किसके ऊपर आ गया, CH2 के ऊपर। तो ये जो अटैकिंग होगी ये किसके ऊपर होगी, CH2 के ऊपर, देखो CH2 आकर के जुड़ा है, ठीक है। अब देखो ये रेयर साइड अटैकिंग हो रही है, रेयर साइड अटैकिंग कब होती है, जब ये रिएक्शन कौन सी हो, SN2 रिएक्शन हो। तो जो एथाइल अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये रिएक्शन किस में जाएगी, SN2 रिएक्शन में जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो H+ है, ये H+ हमारा बाहर निकलेगा, निगेटिव पॉजिटिव, H+ हमारा बाहर निकला, ये H+ कैसा वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट का, क्योंकि H2O4 ने H+ दिया था, ये अपना क्या करेगा, H+ वापस ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 डाइएथाइल ईथर, ठीक है। पहले H2O4 ने अपना H+ दिया, ये H+ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या कर जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा। देखो यही हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ से पीछे से बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, ये क्या इस ओ से जाकर के अटैच हो जाएगा। देखो इस ओ ने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इस बार किसको दिए, CH2 को दिए, जब लेकिन H2 के निकलने के बाद बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए हमारी रिएक्शन कौन सी हो गई, SN2 रिएक्शन हो गई, ठीक है। बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, क्योंकि ये H+ हमारा कैटलिस्ट कितना वर्क कर रहा था, H2O4 ने दिया था, H2O4 ने H+ दिया था, ये निकले हुए H+ को कौन ले लेगा, वापस H2O4 ले लेगा, क्या बचेगा हमारा, डाइएथिल ईथर बचेगा, ठीक है। तो ये हमारी किसकी मैकेनिज्म है, प्रिपरेशन ऑफ डाइएथाइल ईथर की। तो जनरल कभी कभी यही मेथड पूछ लिया जाता है, इन दोनों की मैकेनिज्म अक्सर पूछ ली जाती है, कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म दो, या इस तरह से पूछा जाता है, गिव मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन इसमें टेम्परेचर बहुत मस्ट है, टेम्परेचर ध्यान रखना पड़ेगा। सेम रिएक्शनें होती हैं, रिएक्शन सेम होती हैं, बस रिएजेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। रिएजेंट क्या ले लें, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है CH3 CH2OH, अगर हम यहाँ पर ले लें, जैसे हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज़ किया है, ठीक है, हम इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं Al2O3। जब Al2O3 लेंगे तब भी सेम रिएक्शन होगी, टेम्परेचर होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड, Al2O3 टेम्परेचर होगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो पीछे कितना, डाइएथाइल ईथर बनेगा, 350 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, दोनों में कॉमन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है वो वेपर फेस में होती है, ठीक है। सेम रिएक्शन है जैसे H2O4 लेके कर रहे थे, H2O4 बस टेम्परेचर उसमें कम होता था, इसमें हमारा क्या Al2O3 भी ले सकते हैं, Al2O3 लेंगे तो टेम्परेचर, ईथर बनाना है तो टेम्परेचर 250 डिग्री, और एल्कीन बनाना है तो टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड लेना होगा।
इसमें नेक्स्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ये ईथर प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है। इससे पहले आप लोगों को लैब मेथड बता दिया गया है। तो इस मेथड में क्या होता है, RH जब हम एल्किल हैलाइड की, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ड्राई ईथर। तो सिंपली यहाँ से Na और X निकल जाएगा, क्या बचेगा, ईथर ROR। ये भी ईथर प्रिपरेशन का एक मेथड है। इस X में हमारा क्या हो सकता है, एक्स में हमारा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये ऑर्डर होता है। अगर हम आयोडीन लेंगे तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी देगा, बहुत फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया हमने CH3I प्लस C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड, ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, NaI प्लस CH3OC2H5, ठीक है, एथाइल मेथाइल ईथर या मेथॉक्सी एथेन ये बनेगा, ठीक। अब अगर बात करें ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे रिएक्शन हो रही होगी। तो सबसे पहले चीज, जो सोडियम एथॉक्साइड है C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड ये ब्रेक करेगा C2H5O-Na+, ठीक। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कंपाउंड कौन सा है, CH3I। तो होगा क्या, ये CH3I ब्रेक नहीं कर पाएगा, C2H5O- ये क्या करेगा, जो CH3I है, अब ये ब्रेक किया नहीं है, ये अटैक करने के लिए आया, तो ये क्या करेगा, इसके पीछे से रेयर साइड से अटैक करेगा, तब यहाँ से आयोडीन क्या होगा, बाहर निकलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। मींस यहाँ पर हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, C2H5O CH3I। ये स्टेज कौन सी होती थी, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग, इसी को हम TS कहते थे, ट्रांजिशन स्टेट। मींस ये रिएक्शन हमारी किस में चली गई, SN2 में, ठीक है, यही इसका RDS है, RDS यही इसका होगा, ठीक। बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये I निकल जाएगा जो Na के साथ चला जाएगा, बचेगा क्या, C2H5O CH3, ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज, जो I वाला एल्किल हैलाइड होगा ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे लेस होगा वो उतने ही अच्छा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देगा, ठीक है। और ये हमारा मेनली जो होता है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में ही होता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिया है CH3 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 O CH3, ठीक, ड्राई ईथर, ये है A, ये है B। कह रहा है ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें A और B क्या होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें ए और बी, जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा था तो इसका ए, इसमें ए और बी ये है, कौन सा ए है कौन सा बी है। मींस इसमें ये बताना है कि जो हमारा इसमें कंपाउंड लिया जाएगा, ठीक है, कंपाउंड लिया जाएगा, आप इसे कुछ ऑप्शन लिख रहे हैं, CH3I हो सकता है प्लस CH3 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 ONa, या CH3ONa होगा CH3 CH3 CH3I होगा,
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा होगा इसमें ए ये बी ये होगा कि ए ये और बी ये होगा, दो ऑप्शन दिए हैं। समझ में आ रहा है? ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किस रिएक्टेंट से बन रहा होगा, इस रिएक्टेंट से बन रहा होगा कि इस रिएक्टेंट से बन रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो जो एल्किल हैलाइड होता था वो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ को कहते हैं, यहाँ पर देखो भीड़ ज़्यादा है। अब मान लो कि जैसे ये टूटेगा प्लस माइनस, ये अटैक करने के लिए आएगा, ये अटैक करने के लिए जाएगा, तो देखो इसको जगह ही नहीं मिल रही है, ये अटैक कहाँ से करे, इस कार्बन पर इसको अटैक करना है, ये किधर से अटैक करे जा करके, इसको तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही है, ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, तो इस कार्बन तक कैसे पहुँचे। यहाँ पर देखो आई भी लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस टूटेगा, ये अटैक करने के लिए जाएगा, तो इसको ईजिली जगह मिल जाएगी कि ये क्या करेगा, इसके रेयर साइड से, ये क्या करेगा इसके रेयर साइड से इस सी पर अटैक कर सकता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत इफेक्ट करता है विलियमसन सिंथेसिस में, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस सब सिंपल सी चीज़, देखो इस कार्बन पेयर को हमको अटैक कराना है इसको, तो ये किधर से जा करके अटैक करे, इसमें यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं सकता, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे आई लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर देखो जब ये निगेटिव वाला अटैक करने के लिए जाएगा तो इसके ये इस कार्बन से आई जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन को हमको अटैक कराना है, तो ईजिली जा करके अटैक कर लेगा। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है, वो हमारा क्या करेगा, विलियमसन सिंथेसिस अच्छा रिएक्शन देगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, मान लो कभी मान लो ऐसी रिएक्शन दे दी गई इस टाइप से, CH3 I + CH3 O Na ड्राई ईथर, अब कहा जाए कि इसकी रिएक्शन कराओ, तो क्या होगा, तो इसमें होगा ये, जरा देखो यहाँ पे हमारा NaI निकलेगा, सबसे पहले यहाँ से हमारा क्या निकला, NaI निकला। अब इसके बाद ज़रा समझना, जैसे ये हमारा मान लो निकलेगा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, देखो इसमें कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद ये अपने आप को खुद स्टेबल कर सकता है, तो ये क्या करेगा, अपना एक यहाँ से एक H जो होगा H रिप्लेस कर देगा, ठीक है, H रिप्लेस कर देगा पॉजिटिव निगेटिव, तो ये प्लस माइनस मिल करके यहाँ पे क्या बना लेगा, बॉन्ड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, जो H गया है वो इसके साथ क्या करके क्या बनाएगा, मिथिल अल्कोहल, इसमें ये रिएक्शन होगी। अगर मान लो कि इस तरह से टर्शेरी एल्किल हैलाइड दे देता है, तो यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन बनने के कारण ये अपने आप को खुद स्टेबल कर लेगा। अगर टर्शेरी एल्किल हैलाइड देगा तो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा, एक एल्कीन बन करके आएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी रिएक्शन दे करके पूछ सकता है, ठीक है। जो विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन है उसमें हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि जो एल्किल हैलाइड जो हम लेंगे, ठीक है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। नेक्स्ट, एराइल ईथर, तो एराइल ईथर कैसे बनेगा, ओ आर, ठीक है। देखो जरा प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, फिनॉल है, इसकी NaOH से रिएक्शन कराया, ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, वाटर निकलेगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसके बाद जब इसकी रिएक्शन CH3I ड्राई ईथर, देखो यही ऊपर वाली यही पीछे वाली रिएक्शन आ गई विलियमसन सिंथेसिस, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, NaI इसमें बाहर निकलेगा, प्लस बनेगा क्या, OCH3, ठीक है। इसका अगर नाम लिखे तो नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल फेनाइल ईथर,
ठीक है, या इसका एक कॉमन नेम होता है, इसे कहते हैं एनिसोल, कहते हैं एनिसोल। इसी तरह अगर एक रिएक्शन और लिखें, फिनॉल NaOH ONa C2H5I, ड्राई ईथर NaI निकल गया, C2H5 जाकर के इसमें ऐड हो जाएगा OC2H5, एथाइल फेनाइल ईथर, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं, जैसे इसको हम एनिसोल कहते हैं, इसे हम कहेंगे फेनिटोल, फेनिटोल, ठीक है। जैसे मान लो कि रिएक्शन इस तरह से दे दे, प्लस C2H5O Na ड्राई ईथर, कहा जाए रिएक्शन क्या होगी, तो इसमें ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते थे। पीछे याद करो, जितने भी हमने एरोमेटिक वाली रिएक्शनें पढ़ी थी, उनमें सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। इसमें हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, ये जाकर के अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा एरोमेटिक जो होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए रिएक्शन हमारी क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे ये मेथड विलियमसन सिंथेसिस मेथड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे ईथर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, ईथर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ सी एंड ओ बॉन्ड, सी और ओ के बीच की बॉन्ड का अगर क्लीवेज होगा तो क्या होगा, कैसे होगी रिएक्शन। तो इसमें पहला स्टेप है विथ एच आई, अगर एच आई के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ईथर में सी और ओ के जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो ज़रा समझो, यहाँ पर जैसे मान लो कि एक ईथर है आर ओ आर प्लस एच आई, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बन गया, आर ओ एच प्लस आर आई, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर जो हमारा ईथर लिया गया है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो रिएक्शन हमारी इजीली हो गई। लेकिन अगर यही ईथर अनसिमेट्रिकल होता, जैसे CH3O C2H5, ये हमारा जो है अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब इसकी अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिमेट्रिकल में तो हमने इजीली कर लिया था, लेकिन अनसिमेट्रिकल में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी हम मैकेनिज्म में बताएं, मैकेनिज्म से क्लियर करेंगे, ठीक है। वरना इसमें दिक्कत होगी, हम बता देंगे कि यहाँ पर आई जुड़ेगा, इसमें ये होता है आई इसके साथ जुड़ेगा और एच जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, मतलब एथाइल अल्कोहल और मेथिल आयोडाइड बनेगा। कैसे बनेगा ये भी मैकेनिज्म बताते हैं। इसके कुछ पॉइंट होते हैं, पहले वो पॉइंट देख लें, कुछ केसेस इसके बनेंगे। जैसे केस फर्स्ट ये कह रहा है, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी हैं, तो ये रिएक्शन जो देगा ये SN2 रिएक्शन देगा। अगर दोनों एल्काइल हैलाइड क्या है, प्राइमरी हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी देगा, SN2। केस सेकंड, इफ वन of the alkyl group is tertiary or benzyl, अगर कोई एक भी alkyl group किस में चला जाए, tertiary में चला जाए या benzyl बन जाए, benzyl हो, तो ये जो reaction देगा ये SN1 में consider की जाएगी,
केस थ्री, इफ एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, ये बहुत ही रेयर केस है जो पूछा जाए। अगर सेकेंडरी है तो ये हमारा SN1 देगा कि SN2 देगा, ये हमारा सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि इसमें जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट कैसा लिया गया है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ये बहुत ही कम भी केस पूछा जाता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कि दोनों एल्काइल ग्रुप ठीक है वो कैसे हैं, प्राइमरी आ रहे हैं तो वो ऑलवेज SN2 देंगे, अगर कोई एक भी एल्काइल ग्रुप टर्शियरी आ जाता है या बेंजाइल होता है तो SN1 देगा। अगर सेकेंडरी का केस फंसता है, कोई भी एल्काइल सेकेंडरी में आ जाता है तो वो सॉल्वेंट पे, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। ये भी केस फर्स्ट में ही आएगा क्योंकि इसमें भी हमारा जो एल्काइल है दोनों वो प्राइमरी हैं। तो ज़रा देखो, पहले हम सिमेट्रिकल वाले का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया है यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3। जब हम इसकी HI से रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2I प्लस CH3 CH2OH। ठीक है, नॉर्मली कंपाउंड बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म समझे, फिर ये सेकंड वाली मैकेनिज्म हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ज़रा क्या मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले जो ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो HI है ये हमको क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये H+ कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस H+ को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड हमारा कैसा बनेगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, इसलिए प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, एक बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत बार पीछे हो चुकी है। अब बचा क्या है, आई, जो आई माइनस बचा है। ठीक है, अब आई माइनस क्या करेगा, इसके रेयर साइड से जा करके इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, रेयर SN2 रिएक्शन में ये आएगा, रेयर साइड से अटैक करेगा, क्योंकि जब यहाँ से एक ग्रुप निकलेगा, जब ये यहाँ से निकलेगा तभी तो इसको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, फिर यहाँ पर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 CH2 I प्लस CH3 CH2OH। तो यहाँ से हमको पता क्या चल रहा है, पहला पॉइंट ये पता चल रहा है कि इसमें जो I माइनस है वो हमारा रेयर साइड से अटैक कर रहा है, तो ये रिएक्शन SN2 में जा रही है। दूसरा पॉइंट ये पता चल रहा है कि जहाँ पर SN2 के साथ जहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहीं से ही ये आई माइनस क्या कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा अटैक कर पाएगा। देखो, जहां पे क्राउड होगा, जहां पे भीड़ होगी, उस ओर से इसको अटैक करने में दिक्कत होगी। ठीक है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा, बात में आ रही नहीं आ रही, आई माइनस अटैक वहीं करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस समझ रहे होगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया कि जैसे मान लो कि एक कंपाउंड जैसे यहां पर लिखा हुआ है CH3 अब मान लो कि माइनस वाला जो आएगा वो इस कार्बन पर अटैक करे कि इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो देखो इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो आई माइनस जो निगेटिव वाला है वो
इस और इस कार्बन पर जल्दी अटैक कर सकता है। इस कार्बन पर अटैक वो नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो चारों तरफ से घिरा हुआ, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। क्लियर हो रहा है? तो अब दूसरी लिए जरा मैकेनिज्म देखते हैं, इसमें देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या कंपाउंड है हमारा, CH3O C2H5+HI। इसमें हमको कंपाउंड देखना है, तो देखो CH3O C2H5 HI ने H+ प्रोड्यूस किया, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3O C2H5 H O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, जो I- था वो अटैक करने के लिए आएगा। देखो अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं CH2 CH3। अब ज़रा देखो इन दोनों में कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो यहाँ पर ये I- क्या करेगा, ईजिली अटैक कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3I+CH3CH2OH, ये कंपाउंड बन करके आएगा। तो कभी भी अगर इस टाइप से अनसिमेट्रिकल ईथर दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल अगर ईथर प्रेजेंट है, तो उसमें जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे ही बनेगा। जिस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ पर आई जाकर जुड़ेगा। क्लियर है? इसमें प्रोडक्ट क्लियर हो गया कैसे बनेगा, जैसे केस सेकंड, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH3 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 O+HI। अब केस सेकंड में क्या कह रहा था, हाँ केस सेकंड में अगर कोई भी एक एल्किल हैलाइड टर्शियरी है, ठीक है, या बेंजाइल लगा हुआ, तो वो SN1 में जाएगा। चेक करते हैं, बाय मैकेनिज्म ही इसको चेक करते हैं। CH3 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 O CH3, H+ देगा ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कंपाउंड यहाँ पे कैसा बनेगा, CH3 CH3। ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है, तीन तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, O CH3 H, और इस O के ऊपर कैसा साइन आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा देखो आगे यहाँ पर क्या होगा। अब आगे यहाँ पर देखो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी ये कार्बोकैटायन बनाएगा और ये अपने आपको स्टेबल कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, ये बनेगा CH3 CH3 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकल गया, CH3 OH। तो बचा हुआ आई अब कहाँ, इसी पर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बन गया, मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, SN1 हो गई, कंपाउंड बनेगा CH3 CH3। तो अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड पड़ जाता है जिसमें ये क्या हो, टर्शियरी हो या एक बेंजाइल हो, ठीक, एक बेंजाइल वाला एग्जांपल देख लेते हैं, CH2O CH3 HI के साथ होगा, तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3OH+OCH2I। ये हमारा केस 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ।